हम सीखने वाले हैं कि फेसबुक का यूजर नेम और यूआरएल और फेसबुक पेज का नाम कैसे चेंज करना है। तो गाइस बस इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते रहिएगा, हम सभी बातों के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबा लीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो गाइस देखिए, आपको फेसबुक पेज है उसका जो पहले से जो पेज है उसका नाम, यूआरएल और जो यूजर नेम है वो किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको फेसबुक ओपन कर लेना है अपना ब्राउजर में, चाहे आप फ़ोन में कर रहे हैं या फिर पीसी में, कहीं भी कर लीजिएगा लेकिन ब्राउजर के अंदर करिएगा। एप्लीकेशन में करेंगे तो ये ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, तो सिंपल आपको कर लेना है। उसके बाद में अपना जो भी पेज है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मेरा पेज ये है इंडियन आईटीजी टेक एडवाइस, तो मैंने अपना चैनल का नाम चेंज किया, तो उसके साथ में मैं चेंज करना चाह रहा हूँ इसका यूआरएल, तो वो किस प्रकार से करना है तो आपको आपका पेज खोल लेना है। तो ये देखिए मैं पेज के होम पेज पे हूँ अभी, तो अभी आप सारे स्टेप्स देखिएगा, आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपके सामने आएगा। उसके बाद में आप चेक कर सकते हैं जो मेरा यूआरएल है अभी तक आईटीजी टेक एडवाइस है, ठीक है। अब आप इसे चेंज कैसे कर सकते हैं यूआरएल को, या फिर जो अपना पेज का नाम है उसे, जो पेज का नाम है उसके नीचे जो यूजर नेम आता है वो, तो उसके लिए देखिए सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपल जो ये थ्री टैब आ रहा है इसमें या फिर सेटिंग में कहीं भी चले जाइए, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा एडिट इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। तो सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद में आपको नीचे नीचे स्क्रॉल कर लेना है और नीचे दिखेगा सी ऑल इन्फॉर्मेशन, तो सिंपल आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ठीक है, तो मैंने कर दिया है, आप देख सकते हैं मेरे कुछ इस प्रकार का पेज अपने सामने ओपन हो गया है। अब आप देखिए सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर खुल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जर्नल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पे आपकी कैटेगरी आ जाएगी किस कैटेगरी का पेज है आपका, जो भी कैटेगरी है अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में है एक नेम का, तो आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे मेरा नाम अभी मैं इंडियन टेक एडवाइस करने वाला हूँ जो आईटीजी था उसे हटाकर, तो मैं यहाँ से हटाकर लिख देता हूँ इंडियन, ठीक है। तो ये लिख के और मैं कर दूंगा कंटिन्यू के ऊपर क्लिक, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो पहले मेरा नाम था वो था आईटीजी टेक एडवाइस और अभी हो गया है इंडियन टेक एडवाइस, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर सिंपल क्लिक कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं जो ये है 3 दिन का आपका टाइम लगेगा, पेज रिव्यू जाएगा अंडर रिव्यू और 3 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेल के द्वारा, या फिर आप पेज पे आके देखेंगे तो आपका पेज का नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात तो रही पेज का नाम चेंज करने की, ठीक है, अभी तक यही दिखाई देगा आपको लेकिन जब 3 दिन हो जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हो गया है, अब बात करते हैं यूआरएल और यूजर नेम की। तो सिंपल आपको एडिट करना है यूजर नेम के ऊपर और यूजर नेम के अंदर जाएंगे तो आपको आपका यूआरएल दिख जाएगा जो यूजर नेम है, तो उसके आगे एट द रेट रहने दीजिए और जो बाकी का है उसे आप हटा दीजिए। तो मुझे सिर्फ हटाना है आईटीजी, तो मैं आईटीजी में लिख देता हूँ, की जगह लिख देता हूँ इंडियन टेक एडवाइस, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया इंडियन टेक एडवाइस और मैं देखिए यहाँ पर ग्रीन आ जाएगा क्योंकि ये अवेलेबल है अभी। आप कुछ ऐसा लिखेंगे जिससे रॉन्ग आएगा तो मान लीजिए वो ऑलरेडी एग्जिट है, यानी किसी और ने ले रखा है, तो आप वो ध्यान रख लीजिएगा और उसी हिसाब से अपना यूजर नेम सेलेक्ट कर लीजिए। जो यूजर नेम रहेगा वही आपका यूआरएल रहेगा, तो यानी यूजर नेम और यूआरएल भी इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। और जो यूजर नेम और यूआरएल है वो इंस्टेंट चेंज हो जाएगा, उसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना यूजर नेम और यूआरएल चेंज कर सकते हैं गाइस, अपना पेज का नाम चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव रह गया हो हमारे लिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। तो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।